हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दी अस्त हुसैन दी पना अस्त हुसैन सरदार नदा दस्त दरे दस्त यजीद हक्का के बिना ला इला अस्त हुसैन। अस्सलाम वालेकुम, एसएएम न्यूज़ के साथ मैं हूं मुकद्दर रजा। एसएएम न्यूज़ स्टूडियो में खुशामदीद। खबरों का सिलसिला बढ़ाते हुए खबर शाम करते हैं कराची से। कराची के साहिल पर फंसा हुआ जहाज निकाला तो नहीं जा सका, अलबत्ता शहरियों के लिए तफरी का सामान ज़रूर बन गया है। जश्न आज़ादी के मौका पर मंचले सीवी पर मौजूद जहाज़ के हेड की जंजीर से झूला झूलने लगे और रेस्क्यू कंपनी का कुछ सामान भी चोरी हो गया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं एसएएम न्यूज़ के ब्यूरो चीफ ज़ुल्फ़िकार अली। जी ज़ुल्फ़िकार, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल मुकद्दर भाई, मीडिया के जहां जाने पर तो पाबंदी लगा दी गई, मगर आवाम की बड़ी तादाद जहाज के करीब पहुंचने में ज़रूर कामयाब हो गई। जश्न आज़ादी के मौका पर मनचले सीवियों पर मौजूद जहाज के हेड की जंजीर से झूला झूलने लगे और रेस्क्यू कंपनी का कुछ सामान भी चोरी हो गया। आवाम की बड़ी तादाद के हैंग टोंग 77 पर पहुंचने के बाद जहाज के कैप्टन उमर परेशान दिखाई दिए, जबकि पुलिस और दीगर सिक्योरिटी अहलकार मदद करने की बजाय गायब हो गए। एसएम न्यूज़ ने जहाज के रस्से से चार मनचलों के लटकने के खसूसी मनाजर हासिल किए हैं। हज़ारों अफराद सीवियों पर जहाज के करीब पहुंचे और बारिश पर भी चढ़ गए। कंपनी ज़राए के मुताबिक आज जहाज निकालने की एक जुजवी कोशिश का अमकान है। अगर यह कोशिश भी नाकाम हुई तो अगला ऑपरेशन 20 अगस्त या इसके बाद शुरू होने का अमकान है। जी बहुत शुक्रिया ज़ुल्फ़िकार तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब तक के लिए इतना ही, मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए एसएएम न्यूज़।